बेटी हमारी सेना में जाना चाहती है, उसकी छोटी बहन वो नौकरी चाहती है। उसको अपराधी नहीं था, क्या अपराधी है सब जाना। बात करने की स्थिति में नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल से इन लोग को संभाला गया है जी। नहीं ठीक, हम लोग जा रहे हैं। भैया के हैं, हम भी जाएंगे। हम यही कह रहे हैं, आप भैया की जगह लेना चाहते हो? नहीं, हाँ हम बदला लेंगे, जो बदला लेंगे सब भैया सबको मारे। सब मम्मी से चार दिन से बोल रहे थे भैया से बात करा, लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। आप लोग मतलब जब से वो लड़ाई पे गए थे तब से अभी तक किसी दिन भी बात हो पाई थी बेटा? 14 तारीख को हुआ, उसके बाद नहीं हुआ कोई। 14 फरवरी को आ रहा था। और जिस दिन तब से लेकर अब तक आपके मन में ये डर बना हुआ था? मम्मी से पूछे हम लोग एक हफ्ते से खाना भी नहीं खा रहे थे कि हमारा भैया बस नहीं हो रहा। रोज खून का सपना देख रहे थे हमारे भैया कैसे हैं। मम्मी हमको डर लग रहा है, नींद नहीं लगती थी जब से लड़ाई हुआ। हमको तो लगती थी हमारा बच्चा तो आज जाए कर कल तो ना कहें। भैया अपन फोटो खींच लेना मोबाइल से, अब हमके दे देना खिंचवा। ले नहीं गए कुछ को तो बोले कि ले जाएंगे। अच्छा तो भैया छोड़ के गए ना कि अब आप लोग प्रशासन से किस तरह की उम्मीद चाहती हैं? क्या अभी फिलहाल कुछ नहीं चाह रहे हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं चाह रहा, अभी बॉडी आ जाने दीजिए तो उसके बाद बताएं। क्या चाहेंगे? हम चाहते हैं कि मेरी सिस्टर उसको भी एक जॉब हो जाती, कम से कम अपने दोनों बच्चों को लेकर के फैमिली सब कुछ होती है, लेकिन एक डिपेंडेंसी नहीं रहती है ना, इंडिपेंडेंट होना तो बहुत देगी। ये हम चाहते हैं। क्या अब आगे कोई पायलट की नौकरी करेगा आपके परिवार से? अगर मिलेगा तो क्या आपकी फिर उस तरह की चॉइस होगी आपके परिवार में? इसके लिए डिसीजन तो सब मिलके ही ले पाएंगे। भविष्य तो इंडिविजुअल, भविष्य तो बहुत ही है, इंडिविजुअल डिसीजन क्या है। जैसे सलामी को जो सलामी